नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस सुबह के कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव बातें और जो कि हमें पूरा दिन जो है तरोताजा रखता है। देखिए, अगर हम बात ही नेगेटिव करेंगे तो हमारी दिन कैसे सुख होगा, मतलब हमारा दिन जो है कैसे अच्छा जाएगा। हमें बात ही पॉजिटिव करना है, नेगेटिव बातें तो करना ही नहीं है। नेगेटिव बातों से क्या मिलता है ना। तो अपना ख्याल रखना है और पॉजिटिव बातें करनी है। देखिए, हमारे शास्त्र की बातें, हमारे जो इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे शास्त्र में लिखा हुआ कहानियां है जो हमारे ऋषि मुनियों ने लिख गए हैं, उसमें से हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और अगर हम उसमें से कुछ भी सीख जाए तो जीवन अच्छा हो जाए। तो आपको बताती हूँ आज एक कहानी जो आपको अच्छा लगेगा। तो एक बार क्या हुआ कि शंकर जी और पार्वती जी ऐसे ही गंगा किनारे जा रहे थे, कहीं आकाश के मार्ग से जा रहे थे। तो उस टाइम क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से देखा कि बहुत सारे लोग जो है गंगा स्नान करके जा रहे हैं। उस दिन कोई बहुत ही अच्छा दिन था तो लोग गंगा स्नान करके निकल के जा रहे थे। तो पार्वती जी ने कहा, देखिए गंगा मैया कितनी पवित्र है और इतने सारे लोग जो है गंगा मैया में स्नान करके जा रहे हैं और सब जो है पावन होते जा रहे हैं, सब पवित्र हो गए हैं क्योंकि गंगा स्नान करके सारे पाप धुल जाते हैं। तो शंकर जी बोलते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसे लगता है क्या? तो पार्वती मैया बोली, बिल्कुल लगता है क्योंकि गंगा स्नान करके इतने सारे लोग आ रहे हैं और सब देखो बहुत खुश होके आ रहे हैं, इसका मतलब सब का पाप धुल गया है, सब बहुत ही पवित्र हो गए हैं। तो शंकर जी कहते हैं, ना ना, ये सब कोई भी स्नान करके नहीं आ रहे हैं। तो पार्वती जी कहती है, अच्छा देखो तो सबके कपड़े गीले हैं, सब पूरा पूरा गीला होके निकल के आ रहे हैं पानी में से, तो आप कैसे कह रहे हो कि वो जो है नहाए नहीं है? सब नहा के स्नान करके ही आ रहे हैं और देखो ना, आप ही देखो। तो शंकर जी बोले, नहीं, इसमें से गंगा स्नान हर कोई नहीं करा है, इतने सारे लोग तुम्हें दिख रहे हैं, ये सब आंखों का धोखा है। मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो पार्वती जी बोले, अच्छा ठीक है बताइए क्या है। तो बोले कि यहाँ पे ना हम लोग एक ड्रामा करते हैं, एक नाटक करते हैं। तो क्या करना है ना, आप जो है यहाँ किनारे पे बैठना और मैं जो हूँ यहाँ गड्ढे में पानी में पड़ जाऊँगा और एक वृद्ध व्यक्ति बन जाऊँगा। तो तुम जो है लोगों को बोलना कि ये मेरे पति जो है गड्ढे में गिर गए हैं, प्लीज़ मेरी सहायता करिए, आप लोग सहायता करके मेरे पति को निकाल दीजिए, ठीक है? तो पार्वती जी बोले, अच्छा ऐसे करने से क्या होगा? तो बोले, करो तो सही, तुम्हें पता चलेगा कि गंगा में कितने लोग स्नान करके आए। तो बोले, ओहो ठीक है। तो पार्वती जी वहाँ पे बैठ गई किनारे पे और बहुत ज़्यादा बारिश था और बारिश के कारण जो है वो पानी एकदम से भर गए थे। तो क्या हुआ, वो बड़ा सा गड्ढा जो है रोड के बीच में था और उसके ऊपर पानी भर गया था तो दिख भी नहीं रहा था अच्छे से। तो लोग उसके अंदर वो जाके जानबूझ के बैठ गए और अंदर जाके लुढ़क गए और बोले कि अरे यहाँ तो गड्ढा है, यहाँ तो गड्ढा है। तो पार्वती जी ने वहाँ पे थोड़ा जाते जाते लोगों को बोला, आप थोड़ा सहायता करोगे, मेरा पति जो है यहाँ पे वृद्ध है और वो देखो वो गड्ढे में गिर गए हैं, आप थोड़ा सा निकाल दोगे, मुझे सहायता करोगे निकालने में? तो वहाँ पे लोग आने लगे पास में। जब पहले तो कई लोग तो देखे देखे चले गए, आए भी नहीं। फिर उसके बाद कुछ लोग पास में आए जो थोड़े से सहृदय लोग थे, जो थोड़े से हेल्प करने की मतलब मन में था जिनका, वो थोड़ा आए कि चलो लेडी है और अपना परेशान हो रही है, महिला है, चलो उसको हेल्प करते हैं। तो कुछ लोग आए, तो जो आए तो उनको शंकर जी ने ये बोला था कि जो पास में आके मुझे मदद करने की कोशिश करे उसको ये भी बोल देना कि ये मेरे पति जो है बहुत ही पुण्यात्मा है, निष्पाप है, अगर कोई पाप नहीं करा हो, निष्पाप हो, तो ही उनको निकालने की कोशिश करें। अगर पापी हो और मेरे पति को छू लिया तो वो खुद भस्म हो जाएगा, ये बोल देना।
तो पार्वती जी तो वैसे शंकर जी की बात मान के बैठे हुए थे वहां पे। तो क्या हुआ, मैया के सामने कोई आए बोले कि मैं निकाल लूंगा आपके पति को। दो चार लोग आए तो पार्वती जी ने उनको कहा कि देखो आप अगर निष्पाप हो तभी आप जाना मेरे पति को निकालने, क्योंकि वो निष्पाप है और आप अगर थोड़ा सा भी पाप करे होंगे तो फिर आप भस्म हो जाओगे उनको छूते ही। तो जो थोड़े लोग आए थे वो भी डर गए, वो भी पीछे हो गए, बोले पता नहीं, क्या पता हम कुछ पाप करे हैं, हमें ध्यान भी नहीं है और अनजाने में भी पाप हुआ हो, क्या पता ना बाबा ना, ये रिस्क कौन लेगा इनको निकालने का। तो वो लोग क्या करें, चले गए पीछे। और थोड़ी देर बाद शाम होने लग गया धीरे धीरे। पार्वती जी भी सोची लोग तो आ रहे हैं फिर वापस भी जा रहे हैं, अब क्या करें। तो एक नौजवान आए थोड़ा दूर से, देखने में ही तेजमय थे, और वो पास में आए और बोले मैया मैं मदद करूं ये इस इनको निकालने के लिए, ये जो वृद्ध व्यक्ति है इनको बाहर निकालने के लिए, जो आपकी पति है उनको बाहर निकालने के लिए मैं मदद करूं। तो पार्वती मैया बोली हाँ करो, लेकिन क्या आप निष्पाप हो, अगर आप निष्पाप हो तभी करो, नहीं तो बेटा भस्म हो जाओगे। तो बोले कि कैसी बात कर रही हो मैया, मैं गंगा स्नान करके आ रहा हूँ, और गंगा स्नान करके अगर कोई आ रहा है तो वो पाप युक्त कैसे हो सकता है, गंगा मैया पावनी है, वो पापों को नष्ट कर देती है, और जो गंगा स्नान करके आता है वो निष्पाप होता है। मैं गंगा स्नान करके आया हूँ, देखो मुझे, और मैं निकाल सकता हूँ इस व्यक्ति को। तो मैं बोली अच्छा ठीक है करो कोशिश। फिर जैसे ही वो शंकर जी को हाथ दिए, शंकर जी बाहर आ गए और बोले देखा पार्वती, ये एक ही है जो गंगा स्नान करके आया है, देखो गंगा में जाके डुबकी लगा के आ जाना, गंगा स्नान करना नहीं है, गंगा में जाके जब आप डुबकी भी लगा रहे हो तो उस भाव से लगाना चाहिए कि मैया मेरे जन्मों जन्मों का जो पाप है उसको क्षय कर दो, मुझे इतना आशीर्वाद कर दो कि मैं और पाप ना करूं। ये मन में एक भावना लेके जब कोई स्नान करता है तब उसका पाप खत्म होता है, ऐसे नहीं है कि जाके डुबकी लगाए और आ गए और स्विमिंग पूल की तरह सोच लिए कि हाँ हाँ नहाना हो गया, ऐसे नहीं है। तो क्या हुआ कि जब शंकर जी और पार्वती जी ने उस व्यक्ति का भक्ति देखे, उसका कॉन्फिडेंस देखे, उसकी गंगा मैया के ऊपर जो आस्था है उसको देखे, तो बहुत ही प्रसन्न हुए और उसको दर्शन भी दिए और कहे कि ये व्यक्ति जो है सही मायने में गंगा स्नान करके आया है, और जब मन हो चंगा तो कटौती में गंगा, कहते हैं ना, तो मन में वो भाव होना चाहिए तभी वो चीज़ फलित होता है, नहीं तो मानो तो गंगा मैया, ना मानो तो बहता पानी। तो कैसा लगा आपको ये जो छोटी सी हमारी कहानी है, मुझे लगता है आपको अच्छा ही लगा होगा। और हमें भी कोई भी किसी का भी भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो उसको भाव के साथ करना चाहिए तभी वो फलित होता है। हरे कृष्णा।